किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन पर सरकार ने कभी भी कोई दमनकारी कदम नहीं उठाया है। हमने कभी भी सरकार के नाते किसी भी प्रकार से हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं कि वो वार्ता करें। 11 बार किसान संगठनों के साथ उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार ने वार्ता की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो किसानों के लिए इतने काम करके दिखाए अपनी सरकार के रहते हुए, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई किसान आंदोलन सफल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ अराजक लोग जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अराजक लोगों से किससे तात्पर्य है आपका, सीधे बताइए ना, कौन से अराजक तत्व लोग? देखिए, ये अराजक तत्व वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पर भी हमला बोलने का पहले काम किया था, काली स्याही फेंकने का काम किया था, किस प्रकार से हरियाणा में विधायक को निरस्त्र करने का काम किया था, अलग अलग स्थानों पर चाहे वो लाल किले पर जाकर के झंडा फहराने का काम किया था। ये वही अराजक तत्व है जो किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह के कुछ अराजक तत्व कल लखीमपुर में भी इकट्ठा हुए थे। पुष्पेंद्र जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद अभय दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी और सर अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी। पहले पुष्पेंद्र जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल पर। पुष्पेंद्र सिंह जी, एक और सवाल है, जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए या जो ड्राइवर मारा गया उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या वो यूपी के नागरिक नहीं थे? उनको लेकर भी कोई उस तरह की बातें, उस तरह की संवेदनशीलता आखिर देखने को क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, उसका कारण ये है मैडम, अगर चींटी को भी आप कुचलने की कोशिश करोगे तो वो भी काट देती है। आप रौंद रहे हो लोगों को, काफिले ले जाकर के गाड़ी सीधा जो है भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया आपने, किस तरह का बिहेवियर आपने किया है? और जो आप कह रहे हैं अराजकता, अरे सबसे बड़ा अराजक आपका जो है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका गृह राज्य मंत्री है, उसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि साहब जो है 2 मिनट में मैं देख लूंगा? आपका अराजक जो है मुख्यमंत्री है हरियाणा का, जो कह रहा है लठैर तैयार कर लो, 500 आदमी तैयार कर लो। अराजक आपके SDM और प्रशासन है जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब सर फोड़ दो, इनके बारे में आप जवाब दीजिए। किसानों ने कब कहा है किसी का सर फोड़ेंगे? कब कहा है किसानों ने इस तरह की हिंसा करेंगे? पुष्पेंद्र जी मत कर से कोशिश करके भड़काने की, आपके बयानों से भड़क लोग संवेदनशीलता को समझिए। आपके लिए लॉस पर गेन करना दिखाई पड़ रहा है, और आपको इसमें जीवन दिखाई पड़ रहा है। बयान क्यों दिए? ये 3 बयान आपके अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने क्यों दिए, इसके बारे में बताइए। आप बयानों का कॉन्टेक्स्ट पेश करना यही तरीका है अफवाह फैलाने का। जिस तरह से आप अभी अफवाह फैला रहे हैं कि टैंक लगा करके कुचल दो, इसी प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आप जैसे लोगों ने ही भड़काने का काम किया है और उसके परिणाम अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं। आप इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ समझिए कि किसान आंदोलन के नाम पर आपने जो खड़ा करने का काम किया, आपने किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, आपने भ्रम करना करने का काम किया, MSP खत्म हो जाएगी, आपके अधिकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, ये सारे सोच लाने का काम आप जिम्मेदारी लीजिए। चलिए ठीक है, इस समय में से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। ठीक है, मोनी मोहन जी भी हमारे साथ है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभय दुबे जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बड़े बड़े मंत्री ये कह रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह को आप खुद ही सुन रहे थे, कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं वहां पर प्रियंका गांधी, और इसकी इजाजत उन्हें कतई नहीं दी जाएगी कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चलाए।